नमस्कार दोस्तों, संधि के प्रकरण में गुण संधि हम आज पढ़ेंगे। गुण संधि, गुण संधि और इसकी जो पहचान बताई गई थी वो आपको बताई गई थी कि इसमें ए, ओ और अर की जो मात्राएं हैं और ध्वनि है वो हमें मिलती है। ए, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर, अर की ध्वनि जो है वो हमें इसमें मिलेगी। तो इसके जो नियम है वो इस प्रकार है, इसमें प्लस से पहले आ और प्लस के बाद इससे भिन्न स्वर होता है। स्वर संधि कर रहे हैं तो इसलिए दोनों तरफ ही स्वर होंगे। इधर अगर आ है तो उस तरफ आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, भिन्न स्वर मिलेगा आ और ए, ठीक है। आ और ई ये ए बनेगा, ठीक है। ए का अर्थ क्या है, इसको हम इस ए के रूप में नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे मात्रा के रूप में, मात्रा के, ए की मात्रा के रूप में लिखेंगे। इसमें उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे उदाहरण है हमारे पास सुरेंद्र, ठीक है। अब पहचान से आपको क्लियर हो गया होगा, ए की जो मात्रा है वो इसकी पहचान है, ए की मात्रा आ रही है, इसका अर्थ क्या है, इसमें गुण संधि है। कैसे है देखिए, हल करते हैं इसको। सुर और इंद्र, र का जो अ है और ई का जो इंद्र का ई है, अ और ई यही नियम ऊपर आपको दिखाई दे रहा हुआ, अ और ई मिलकर ए बनते हैं। तो यहाँ वही ए और इसको मात्रा के रूप में हम ऐसे लिखेंगे, हमारे पास होगा सुरेंद्र। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि ए की मात्रा वाले जो शब्द है वो हमारे गुण संधि के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एक और शब्द हम ले लेते हैं, देवेंद्र। ये सारे जो शब्द हैं आपको पुस्तकों में मिल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है लिख लिख कर उसको रिवाइज करने की। अगला शब्द है हमारे पास देवेंद्र, देवेंद्र, देव शब्द इसमें है और दूसरा शब्द है इसमें इंद्र। व का अ उसी प्रकार और ई, अ और ई ए बनता है और ये शब्द हो गया है हमारे पास देवेंद्र। ए की जो मात्रा आई है वो हमारे पास आई है इस रूप से, अ और ई जो मिले हैं वो ए की मात्रा का निर्माण करते हैं, तो ये देवेंद्र हमारे पास इस रूप में आया। ऐसे ही स्वेच्छा शब्द है हमारे पास, स्वेच्छा, स्वेच्छा, स्वेच्छा से हम बनाएंगे स्व और इच्छा, स्व में आ और ई, आ और ई ए, ठीक है। तो ए ऐसे ही ये हमारे पास ए इस रूप में, इस मात्रा के रूप में लगेगा स्वेच्छा। तो इसे स्पष्ट हो गया है कि आ और ई जब प्लस से इधर और उधर होंगे, प्लस से पहले आ और प्लस के बाद ई होंगे, तो ए की मात्रा जो है वो शब्द में बन जाएगी, ए की मात्रा स्वेच्छा, देवेंद्र, ठीक है। अगला हमारा जो नियम है वो है आ और ई, आ और ई, इसको हम यहाँ इस रूप में कर लेते हैं। आ और ई जो है वो भी ए का ही निर्माण करेंगे, प्लस से पहले आ हो और प्लस के बाद क्या हो, ई हो, तो भी ए ही बनेगा। इसमें यही मात्राएं बनेंगी जो आपको ऊपर बताई गई है, ए और ओ, भिन्न जो स्वर है वो जब मिलेंगे वो या तो ए के रूप में हमारे सामने होंगे या ओ के रूप में, या फिर अर की ध्वनि जो है वो हमें दिखाई देगी। अब हमारे पास शब्द है रमेंद्र, रमेंद्र,
इसका विच्छेद करेंगे हम रमा और इंद्र। रमा में आ प्लस से इधर और उसके बाद है ई। नियम के अनुसार आ और ई जो है वो ए की मात्रा के रूप में प्रयोग होंगे। आ और ई मिलकर ए बन जाएंगे। तो रमेंद्र में जो ए ए दिखाई दे रहा है आपको, ये कहाँ से आया है? ये आया है आ और ई को मिलाकर ए के रूप में लिखने पर। तो ये आपका रमेंद्र जो है वो भी ए की ध्वनि कर रहा है। यानी ऐसे शब्द या पद जिनमें ए की ध्वनि आए, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें दो पद होने बहुत जरूरी है। जैसे रमा और इंद्र है तो इसमें दो पद अवश्य है, संधि में दो पद अवश्य होने चाहिए, तभी हम इनको अलग अलग करके पहचान सकते हैं। तो ए यहाँ पर इस रूप में हमें दिखाई दे रहा है। अगला हमारा शब्द है महेंद्र। रमेंद्र ऐसे ही महेंद्र बनेगा। महेंद्र, महेंद्र का विच्छेद हम कर लेते हैं। महेंद्र, महा और इंद्र, ठीक है। आ प्लस ई, आ और ई वही एक ही मात्रा के रूप में लगेंगे। महेंद्र का जो ए दिखाई दे रहा है आपको, ये कहाँ से आया है? ये इस सूत्र से आया है। ऐसे ही एक और शब्द है राजेंद्र। राजेंद्र अब देखो इसमें भी आपको एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, तो यहीं से हमें पहचान हो जाती है गुण संधि की। गुण संधि की ये पहचान है ए ओ आर, राज और इंद्र। आ और ई ए बनेगा। तो इस रूप में एक ही जो मात्रा है वो हमारे पास है राजेंद्र के रूप में, एक ही मात्रा आ रही है। अगला जो हमारा नियम है वो है आ और दीर्घ ई। आ और हम इधर क्या कर देते हैं दीर्घ ई, रूप वही रहेगा, एक का ही रूप रहेगा, एक ही मात्रा लगेगी। जैसे हमारे पास शब्द है सोमेश। सोमेश, सोम और ईश, ठीक है। सोम में यहां पर अ और ई है, अ और ई, अ और ई है। तो सोमेश में म का अ और दीर्घ ई, ठीक है। अ और ई मिलकर भी क्या बनेंगे? ए ही बनेंगे। सोमेश में म के जो ऊपर एक ही मात्रा दिखाई दे रही है आपको, सोमेश, वो एक ही मात्रा अ और दीर्घ ई इस रूप में हमारे सामने आई है। अगला हमारे पास शब्द है परमेश्वर। परमेश्वर, परमेश्वर, इसका विच्छेद बनेगा परम और ईश्वर। परम में म का अ और दीर्घ ई, अ और दीर्घ ई ए। तो इस तरह से आप इस सूत्र को समझ के गुण संधि को पहचान सकते हैं, एक ही मात्रा। बार बार वही नियम लागू हो रहे हैं। जितने अधिक से अधिक उदाहरण हम लिखकर देखेंगे, एक्सप्लेन करके देखेंगे, उतना ही हमें संधि समझ में आएगी। तो परमेश्वर में जो एक ही मात्रा है वो हमारे पास यहां से आई है, ठीक है, परमेश्वर। ऐसे ही सुरेश शब्द हमारे पास, सुर और ईश। सुरेश हम अगर लिखते हैं सुरेश, तो सुर और ईश, तो सुर में र में आ और ईश, ठीक है। ये सारा जो हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, ये सारे जो नियम हैं वो पुस्तकों में दिए गए हैं। केवल एक दोहराने की परम आवश्यकता होती है। यदि हम इसको दोहराएं, बार बार लिख कर देखें,
समझने की कोशिश करें, खास तौर से वर्ण विच्छेद की जो संरचना है उसे हम अगर समझ लें तो संधि का आधा जो कंसेप्ट है वो पूरा हो जाता है। तो संधि को समझने के लिए वर्ण विच्छेद, वर्ण व्यवस्था आपको आनी चाहिए, ठीक है। हमारा अगला शब्द है, जो नियम है वो है आ और ई, दोनों तरफ ही इसमें दीर्घ होगा, आ और ई। देखिए हमारे पास शब्द है लंकेश, लंकेश शब्द है हमारे पास, इसका बनेगा लंका और ईश, ठीक है। लंका का जो आ है और ईश का ई है, दोनों ही दीर्घ है और नियम में भी दोनों ही दीर्घ है, बनेगा ए। तो क्या बन गया हमारा, लंकेश में जो क के ऊपर ए की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, वो ए की मात्रा जो है वो हमें गुण संधि की पहचान करवा रही है, आ और ई ए बनता है। तो ये नियम कई बार याद नहीं रहते हैं, लेकिन अधिक से अधिक शब्दों को जब हम दोहराते हैं, रिवीजन करते हैं, लिख कर देखते हैं, तो वो हमारे मस्तिष्क पे बैठ जाते हैं और शब्द देखते ही तुरंत हमारा जो मन है वो उसका उत्तर दे देता है। लेकिन ये स्थिति कब आती है, जब हम अधिक से अधिक लिखित अभ्यास करें। याद रखिएगा, संधि को अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं होगी। संधि को कैसे याद करेंगे, लिख कर याद करेंगे। जैसे मैथ्स के सम होते हैं, उनको जब हम बार 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 सोल्व करके देखते हैं तब सही उत्तर हमारे सामने होता है। इसी प्रकार संधि को जब तक आप लिख कर नहीं देखेंगे, उसके प्लस माइनस को नहीं समझेंगे, तब तक हम संधि को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो इसको लिख कर देखना बहुत अनिवार्य है। मैं बार बार इसी बात पर बल दे रहा हूँ, क्योंकि यही इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके नियम है। नियम का शॉर्टकट आप अपने अनुसार बना सकते हैं। अब हमारा जो अगला शब्द है वो है उमेश। उमेश जैसे लंकेश है वैसे ही उमेश है। उमेश, उमा और ईश, दोनों तरफ दीर्घ मात्रा है, आ और ई। म के ऊपर जो ए है वो आपको कैसे मिला है, आ और ई को मिलकर मात्रा बनती है ए, हरस्व ए। इसको हम शब्द के ऊपर, वर्ण के ऊपर इस रूप में लगाएंगे। जो उमेश में मे दिखाई दे रहा है वो ए की मात्रा को स्पष्ट कर रहा है और बता रहा है कि इसमें गुण संधि है। ऐसा ही शब्द है रमेश, उसमें क्या हो जाएगा आप बताइए। रमेश, हमने इतने उदाहरण किए हैं, रमेश, जी हाँ, रमा और ईश, म का आ और प्लस के बाद दीर्घ ई, आ और ई मिलकर क्या बनता है, ए ही बनता है। तो रमा और ईश, रमेश। तो ये आ और ई का नियम था, पहला नियम गुण संधि में आ और ई का नियम है, जिसमें ए की मात्रा हमें शब्द में दिखाई देगी, जहां पर प्लस से पहले आ और प्लस के बाद ई का स्वर, चाहे वो दीर्घ हो चाहे वो हरस हो, वो बदले हुए रूप में क्या बनेगा, वो ए की मात्रा, जिसे आप छोटी कहते हो। हाँ, अब अगला नियम आता है हमारे पास, प्लस से पहले आ और प्लस के बाद उ। अ और उ, इसमें हर स्थिति में क्या बनेगा, ओ बनेगा। ए का नियम हमने कर लिया है, अब हम कर रहे हैं प्लस से पहले अ या आ और उसके बाद उ। हम आरंभ करते हैं हरस्व से, अ और उ। अ और उ बनेंगे ओ, और मात्रा के रूप में लगेगा ये इस प्रकार, ओ की मात्रा के रूप में इस प्रकार लगेगा। जैसे हमारे पास शब्द है परोपकार, क्या है, परोपकार, ठीक है। अब अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो पर प्लस उपकार, पर में र का जो है, र की जो ध्वनि है वो अ है, और उपकार में आगे स्पष्ट दी गई है उ,
और उ नियम के अनुसार क्या बनेंगे? हाँ बिल्कुल सही, ओ बनेंगे, और ओ को मात्रा के रूप में हम यहां पर देख रहे हैं। र को जो ओ की मात्रा दिखाई दे रही है आपको, वो कैसे आई है? वो इस नियम से आई है। तो इस प्रकार ओ के ओ वाले शब्द जो दो शब्दों से मिलते हैं और बीच में मात्रा ओ आती है, तो ये इसकी पहचान है कि इसमें गुण संधि होगी। इसी प्रकार हमारे पास शब्द है पूर्वोक्ति। पूर्वोक्ति पहले कही गई उक्ति, पहले कही गई कोई बात, पूर्व पूर्वोक्ति शब्द है पूर्व, और दूसरा शब्द है उक्ति। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, पूर्व में व के बाद अ की ध्वनि आ रही है और उक्ति में ऊ की ध्वनि दी गई है। उच्चारण का ध्यान रखना है, उच्चारण अगर अशुद्ध हो आपका तो संधि में अशुद्ध आप उत्तर शुद्ध उत्तर नहीं खोज पाएंगे। आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। पूर्वोक्ति, पूर्व और उक्ति दोनों का विच्छेद भी सही होना चाहिए। व में अ और उक्ति में ऊ दिया हुआ है, उसी नियम के अनुसार ओ बनेगा। और पूर्वोक्ति में व के ऊपर ओ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, ये ओ की मात्रा सीधी सीधी गुण संधि की पहचान है। अगला हमारे पास शब्द है विरोचित। विरोचित यानी वीरो के लिए उचित, विरोचित जो बात वीरों के परिप्रेक्ष्य में उचित हो वो होता है विरोचित। ये शब्द बना है वीर और उचित से, र का अ प्लस उ, अ प्लस उ ए, ए कौन सा? हरस्व ए, और हरस्व ए अ और उ दीर्घ ओ, अ और उ ओ, और ये मात्रा होगी आपकी इस रूप में। जो वीर में आपको दिखाई दे रही है ओ की मात्रा, तो ये जो ओ की मात्रा है वो इस नियम से यहां हमें दिखाई देती है विरोचित। ऐसे ही आप अ और उ, हरसो अ और हरसो उ को मिलाएंगे तो ओ की ही मात्रा बनेगी। इसमें अ प्लस ई होगा तो ए की मात्रा ही बनेगी, शब्द के ऊपर लगेगी, और यदि अ के बाद उ है तो ओ की ही मात्रा लगेगी हर स्थिति में। हाँ स्वर जो है वो ह्रस्व दीर्घ अवश्य हो सकते हैं। अगला हमारे पास है आ और उ। आ और उ ये ओ ही बनेंगे, लेकिन इसका उदाहरण जो है वो अलग होगा। वो क्या होगा? जैसे हमारे पास शब्द है महोदय। महोदय इसमें क्या होगा? महा प्लस उदय। महा में आ स्वर आ गया और प्लस से उधर जो स्वर है वो ऊ है, तो नियम के अनुसार आ और ऊ जो है वो ओ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओ में बदल जाते हैं। तो महा में जो ओ की ध्वनि आपको दिखाई दे रही है वो इसका उदाहरण है, जो कि उत्तर की पड़ताल करता है। जिस प्रकार हम मैथ्स में उत्तर की पड़ताल करते हैं, इस प्रकार आ ओ बनता है। ओ इस शब्द में दिया गया है, तो दो पद है महा और उदय। इसे स्पष्ट है कि यहाँ पर कौन सी संधि है? गुण संधि है, तो गुण संधि को हम इस प्रकार पहचान सकते हैं। ऐसा एक शब्द है महोत्सव। महोत्सव में क्या होगा? महा और उत्सव, ह के बाद आ की ध्वनि है, स्वर है, और प्लस उसके बाद प्लस के बाद उ है, आ और उ, ऐसे ही ओ बनेगा। तो महोत्सव में जो ओ है वो इस रूप में आएगा। ऐसा ही हमारे पास एक शब्द है महोपदेश। महा और उपदेश, उसी रूप में भी वो ओ की मात्रा परिवर्तित होगी। अगला हमारा नियम है अ और उ। यहाँ पर अ और उ जो है वो उ दीर्घ होगा, ठीक है, और पद है हमारे पास सूर्योष्मा, सूर्य की गर्मी, सूर्य और उष्मा। आजकल
देख रहे हैं आप, सूर्य बहुत गर्मी उत्पन्न कर रहा है, दोपहर के समय बड़ी समस्या हो गई है। तो सूर्योष्मा, सूर्य की ऊष्मा जो है वो अपने प्रचंड वेग में है, पसीने छुटा रही है। तो सूर्योष्मा, सूर्य, सूर्य जब हम उच्चारण करते हैं तो सूर्य में अ की ध्वनि सबसे बाद में हमें सुनाई देती है, इसलिए हम प्लस से पहले क्या लिखेंगे, अ। ध्वनि को विशेष रूप से समझेंगे, ध्वनि की पहचान ही संधि की पहचान है। यदि आप ध्वनि नहीं पहचान पाए, चाहे स्वर की है चाहे व्यंजन की है, तो संधि नहीं हम कर पाएंगे। तो स्वर पहचानिए, ध्वनि पहचानिए कि कौन सी आ रही है, सूर्य अ है और ऊष्मा आगे दिया हुआ है ऊ दीर्घ, तो अ ह्रस्व प्लस ऊ दीर्घ, अ और ऊ जो है वो ओ की ध्वनि ही बना रहे हैं। अब सूर्योष्मा हम इस रूप में करेंगे, य के बाद जो ओ की साउंड आपको दिखाई दे रही है वो इस सूत्र से यहां पर स्पष्ट होती है, र हमने यहां लगा दिया सूर्योष्मा। तो इस प्रकार इस शब्द से स्पष्ट होता है कि किस तरह से ओ की मात्रा इस शब्द में आई है और हमारी संधि होगी गुण संधि। ऐसे ही महोर्जा, इसमें आएगा आपका सूर्योर्जा, सूर्योर्जा सूर्योष्मा, ये इसी तरह से सोल्व होंगे। अगला हमारा है आ और ऊ, दोनों तरफ ही क्या है, दीर्घ स्वर है, प्लस के पहले और प्लस के बाद दोनों ही तरफ दीर्घ स्वर है। पहला हम हमारे पास शब्द है महोष्मा, महोष्मा, महा और ऊष्मा, ठीक है, महा का आ और ऊष्मा में ऊ दीर्घ है, तो यहां पर क्या बन गया ये ओ, हर स्थिति में ओ ही बनेगा, लेकिन हमें वर्णों की पहचान होनी चाहिए, स्वरों की पहचान होनी चाहिए। ऐसे ही महोर्मी, इसको मिलाकर देख देते हैं, महोष्मा, तो ये ओ जो है आ और ऊ मिलकर ओ बन गए हैं, तो ये ओ की मात्रा आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, तो ये गुण संधि की पहचान है ए ओ। उसके पश्चात हमारे पास शब्द आता है अर, इसमें हमें ध्वनि पहचाननी है। जब भी हम शब्द का उच्चारण करेंगे तो उसमें अर की ध्वनि हमें दिखाई देनी चाहिए, अर की ध्वनि। जैसे ब्रह्मर्षि है, ब्रह्मर्षि हम लिख देते हैं यहां पे ब्रह्मर्षि, उच्चारण करके देखिए ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, अर की साउंड आ रही है, ब्रह्म के बाद रुक जाइए और उसके बाद अगले शब्द को आराम से बोलिए, ब्रह्म, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, अर की ध्वनि जिसमें र हलंत है, र की ध्वनि पूरी नहीं आ रही है, ब्रह्मर्षि, तो इसी ये इसकी सीधी सी पहचान है। जहां पर अर की ध्वनि पहले पद के बाद, दो पद है शब्द इसमें संधि में, पहले पद के बाद एक तो ब्रह्म है और दूसरा है ऋषि, ब्रह्मर्षि, पहले के बाद अर की साउंड जहां पर आए, अर की ध्वनि जहां पर आए, सीधा इसकी पहचान है ये गुण संधि है ए ओ अर। बस ये तीन ही पहचान है इसकी, ए ओ अर, जहां पर शब्द के बीच में आए सीधा वो गुण संधि है। ये इसका शॉर्टकट भी है, लॉन्ग कट भी है, क्योंकि यही इसका नियम है, इसको आप किसी भी रूप में समझ सकते हो। दूसरा शब्द है हमारे पास राजर्षि, राजर्षि, देखिए अलग अलग करके आपको समझा देते हैं, राजर्षि, राज और राजर, ऐसे लिख देता हूं मैं, आपको पहचान में आ जाएगा, राजर्षि, यहां पर री की ध्वनि आ रही है, तो राजर्षि हम इसका उच्चारण करके देखेंगे, अर की ध्वनि हमारे पास आ रही है, ज्यादा गहराई में न जाते हुए सीधा सरल और आसानी से समझ में आ जाने वाला ये हमारा स्टेप है। अर की ध्वनि जहां पर आए बीच में वो हमारे गुण संधि होती है। ऐसे ही देवर्षि शब्द में हम समझ सकते हैं देव और ऋषि, देवर्षि, देवर्षि, अर की ध्वनि इसमें भी आ रही है, ठीक है, तो अ और री भी अर बनेगा, आ और री हो तो भी, आ होगा
जैसे आ का मैं बताता हूं आपको, आ के लिए हमारे पास शब्द है महर्षि। महर्षि में महा और ऋषि, ठीक है, महा में आ और आ के बाद क्या है री, आ और री अर ही बनेंगे, इसको हम मिलाकर बोलेंगे महर्षि महर्षि। इसमें भी किसकी ध्वनि आ रही है, अर की, महर्षि। तो ये गुण संधि की पहचान है। तो इस प्रकार हम गुण संधि को समझ सकते हैं, जहां भी दो पदों के बीच में एक ही मात्रा शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा किसे कहते हैं, ये शिरोरेखा है, इसके ऊपर दो पदों के बीच में हो, या दो पदों के बीच में ओ की मात्रा आए इस रूप में ओ की, या दो पदों के बीच में अर की ध्वनि सुनाई दे, तो ये तीनों चीजें जो है वो आपकी पहचान होंगी गुण संधि की। तो इस प्रकार गुण संधि को हम आसानी से समझ सकते हैं। अगले वीडियो में अगली ध्वनि के साथ हम वृद्धि संधि समझेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।